एक तो आप आ, आ, घर में इंसुलेशन करें प्रॉपर हीटिंग अप्लायंस लें या प्रॉपर एयर कंडीशनिंग अप्लाइंस लें रेफ्रिजरेटर को तरह अच्छी जगह रखें साफ रखें यह भी बताना भूल गया कि जो पीछे रेफ्रिजरे, रेफ्रिजरेटर के ग्रिल होती है ना क्योंकि उसमें फ़ैन लगा होता है तो वो फ़ैन की वजह से उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे कभी आपने देखा अपने घर का कमरा का फैन फ़ैन के ऊपर क्या लगा होता है बिल्कुल एक गर्द आके जमा हो जाती है क्योंकि हमारे पास ये डस्ट पार्टिकल बहुत है हवा में तो जब पंखा चलता है तो सारे डस्ट पार्टिकल फ़ैन की एज पे जमा हो जाते हैं तो आप देखेंगे तो वो काफ़ी गंदी सी लगती है तो हर साल उसको उसकी सफ़ाई करनी पड़ती है तो ये फ़ैन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि फ़ैन जो है सिर्फ हवा नीचे डाल रहा है एयर कंडीशनर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो जो ग्रिल है उससे हीट ने निकलना है तो हीट नहीं निकल सकेगी अगर उसके ऊपर बहुत सारा कचरा जमा हो जाए तो आपकी रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी वो आपने टेम्परेचर सेट कर लिया है कि आपको जनाब कोई 12 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर अंदर लेकिन वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता तो मस्तकिल चलता रहता है वो फिर एनर्जी से ज़ाय हो जाती है तो हर साल कम अज़ कम एक मरतबा बल्कि साल में दो मरतबा करें तो और अच्छी बात है अगर ईद के ईद कर लेना सफाई हो रही है घर की ईद के लिए तो आप रेफ्रिजरेटर को आगे खरीद खींच के उसको वैक्यूम कर लें या कपड़े से साफ़ कर दें सारी ग्रिल जो है बिल्कुल साफ हो जाए आपकी एयर जो रेफ्रिजरेटर है वो बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा तो ये सब चीज़ें तो मतलब तो एक अप्लायंस की बात हो रही है अप्लायंस को ठीक करना उसको मेंटेन करना प्रॉपर अप्लायंस खरीदना उसकी जो ई आर जो एनर्जी एफिशिएंसी रे, रेटिंग है उसको देख के ठीक करना वो सब चीजें तो अपनी जगह हैं उसके अलावा बाज ऐसी चीजें हो हो सकती हैं जो कि आप जिसको कहते हैं पैसिव रिडक्शन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ये तो आप जो कर रहे हैं तो एक्टिवली कर रहे हैं कि सही एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं सही ओवन खरीद रहे हैं सही रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं उसको साफ़ कर रहे हैं वो सब चीज़ें तो एक्टिव हैं लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पैसिवली कर कर सकते हैं जो जिससे बहुत ज़्यादा बचत होती है लेकिन हम उसका अभी कहीं भी ज़्यादा बहुत कम जगह है जहाँ पे दुनिया में अच्छे ममालिक में भी अच्छे से मरादी के Uh, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके अंदर में भी ये ये बहुत कम जगह है एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया जहाँ पे ये लॉ है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए जिसकी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब ये घर है देखें अब घर अगर आपका ऐसे है ना और सूरज यहाँ से निकलता और यहाँ आ रहा है ठीक है ये सर्द गर्मियों में ये है और सर्दियों में थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो वो नीचे से ऐसे चलता है तो आप इसकी जो सूरज की जो ओरिएंटेशन है ना अगर आप उसको घर ऐसे बना ले ना तो वो फिर घर घर पर उसका अफेक्ट बहुत कम पड़ेगा क्योंकि आपके जो वो जो फेस कर रहा है ना वो सिर्फ ये हिस्सा फेस कर रहे हैं घर सूरज का तो वो सूरज का फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते अच्छी तरीके से वो शायद गर्म ममालिक उल्टी बात हो लेकिन इसमें इस, इस इसकी बात कर रहा हूँ अगर ऐसे है घर की ओरिएंटेशन तो सर सूरज जो है पूरा हमेशा घर के अंदर आ सकता है तो आप अंदाज़ा करें सर्दियों के अंदर आपका घर ऐसे है या ऐसे है सर्दियों के दरमियान अगर घर ऐसे है तो इसका मतलब ये यह कि यहाँ से सूरज जो चला वो आपकी खिड़कियाँ अगर सही से बनी हुई हों तो खिड़कियों के अंदर जाएगा और आपके घर घर गर में गर्मी पैदा करना शुरू कर देगा तो ये सर्दियों के लिए बड़ी बात है गर्मियों में क्या करेंगे है? गर्मियों में अब ये तो नहीं हो सकता है कि घर को चेंट घर के ओरिएटेशन उल्टा कर दें तो गर्मियों में ये होता है कि सूरज अगर यहाँ पर है ना यहाँ के वजह यहाँ पर है ना तो अब यहाँ पर आप खिड़कियों के सामने पौधे दरख्त लगा दें खिड़कियों के आगे ठीक सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं तो बिल्कुल दरत खाली हो जाता है तो सारा का सारा सूरज अंदर आ जाता है गर्मियों में दरख्त है छाया है सब कुछ है सूरज ऊपर भी है तो उसका अफेक्ट नहीं पड़ा आपके घर के ऊपर तो ये एक बड़ी मजे की बात है जो कि अब कैलिफोर्निया में तो एक कॉन्स एक वो रूल आ गया है कि जो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फेसिंग होने चाहिए इस तरह के घर ऐसे घर नहीं बना सकते कोई भी ड्रॉ ड्रॉइंग उनको अप्रूव करनी हो ना कम्युनिटी की तो वो उसमें ये ज़रूरी है कि इस तरह का होना चाहिए फिर उसके बाद आप उसको दर्ख लगाएं वो आपकी मर्ज़ी लेकिन कम अज़ कम घरों की ओरिएंटेशन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए इसको पैसिव रिडक्शन अब गर्मियों में अगर सूरज अच्छी तरीके से गर्म आ रहा है सर, सॉरी सर्दियों में अगर सूरज अच्छी तरीके से अंदर आ रहा है तो उसकी कितनी सारी गर्मी अंदर आएगी ना उसको आप इस्तेमाल करें अपने गर्मी गर्म गर्म करने के लिए उसकी एक और ए, मैंने शुरू में एक एक वो ही बताई थी एक वॉल जो, जो कि ईंटों की बनी होती है जिसमें हीट एब्ज़ॉर्ब होती रहती है वो वॉल बिल्कुल खिड़की के सामने होती है वो हीट एब्ज़ॉर्ब होती रहती है सारा दिन और जब गर रात आ गई तो इसमें से हीट निकल के फिर आपको गर्म घर गर को गर्म रखती है लेकिन वो चूँकि आप इसका मतलब ये कि आप खिड़की के बिल्कुल सामने एक दीवार बनाए वो जरा सी गड़बड़ बात है तो पूरी दीवार नहीं बनती बल्कि वो सिर्फ आधी दीवार बना देते हैं बल्कि कोई टेबल वगैरह हो कुछ भी हो तो वो उसको वहाँ बना देते हैं तो ताकि वो आप, आप बाहर भी देख सकें और उस उस दीवार में एनर्जी भी अब्जॉर्ब हो जाए जो आपको रात को अवेलेबल होगी उसके अलावा जो इंसुलेशन की बात मैंने पहले की थी उसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं क्योंकि अब हमको थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आ गई कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है तो उसको मिला के तो जो, जो आर वैल्यू एक कहते हैं आर वैली बताती है कि आपको कितना एल ओवर के आर इज एल ओवर के राइट जो ऊपर इक्वेशन लिखी है एल एल का मतलब थिकनेस दीवार की कितनी है या इंसुलेशन की थिकनेस कितनी होगी ठीक है ज़्यादा इंसुलेशन की थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा आर वैल्यू होगी आर वैल्यू ज्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जितनी ज़्यादा होगी उससे हीट जो है लॉस कम होता जाएगा इंसुलेशन का मकसद क्या होता है इंसुलेशन का मकसद ये होता है कि आप इंसुलेशन में गैस पॉकेट वगैरह होते हैं ना सॉलिड नहीं होती अब यहाँ से जो हीट चली वो कंडक्शन कि इंसुलेशन की वजह से कम हो जाता है ज़्यादातर लॉसेज हमारे पास कन्वेक्शन और कंडक्शन की तरह होते हैं तो अगर इंसुलेशन लगी हो ना तो कंडक्शन लॉसेस इंसुलेशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे रुई की तरह बिल्कुल आधी हवा और आधी चीज़ तो वो उसकी वजह से वो वाइब्रेशन जो है वो जाके रुक जाती है तो वो आपकी कंडक्शन लॉसेस कम हो जाते हैं तो एक तो ये बात हुई दूसरी ये कि जो आपकी दीवार है ना अगर इंसुलेशन नहीं हुई तो अंदर से खाली है दीवार तो वो जो नीचे गर्म हवा है वो नीचे से ऊपर जा रही है वो सर्कुलेट कर रही है इसका मतलब आपका हीट लॉस हो रहा है तो वो अगर आप उसको बीच में भर दें इंसुलेशन से वो कन्वेक्शन भी रुक जाएगा तो कंडक्शन भी कम हो जाता है कन्वेक्शन लॉसेस भी कम हो जाते हैं तो आपके हीट लॉसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इस तरह से तो जितने भी आर वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना कंस्ट्रक्शन की ईट हुआ ग्लास हुआ उनकी ये आर वैल्यू बहुत कम होती है मैं आगे जाके टेबल में बताऊँगा तो ये आर्टिफिशली इस तरह वो बनाते हैं इसको कहते हैं ग्लास वूल यानी ग्लास की रुई की तरह बिल्कुल उसमें उसको एयर स्प्रे से बनाते हैं ये चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी जैसे ग्लास की वो पता नहीं आपने कभी देखी कि नहीं इस सिलसिले में वो क्या होते हैं वो छोटे छोटे से ग्लास फाइबर होते हैं जो आप अगर इस तरह लगाएं तो आपकी स्किन में चले जाते हैं तो वो उससे आपको खुजली होना शुरू हो जाती है वो चीज़ है ये उसको थोड़ी सी एहतियात से इसको लगाना पड़ता है इसलिए इसको ग्लास वूल कहते हैं तो वो आर जो है आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो देखें आप इसकी जो बीच में वाली फिगर है उसकी आर की वैल्यू है थर्टी लेफ्ट साइड पे देखें बिल्कुल लकड़ी से जो पैनल बने हुए हैं उसके अंदर ये ला, लाल रंग की चीजें भी नीचे वाली तस्वीर में लगाई हुई हैं और राइट right साइड पे देखें तो ये जो है इंसुलेशन स्प्रे इंसुलेशन है वो बिल्कुल लिक्विड होता है इसको स्प्रे करें वो एकदम से फूल जाता है वो बिल्कुल रुई की तरह उसको फिर इंसुलेट कर देता है तो ये राइट right वाली जो तस्वीर है सबसे ये सबसे आसान तरीका है इंसुलेशन uh, करने का लेकिन बीच वाली जो है सबसे ज्यादा यूज होती है यही वाली पिंक वाली इंसुलेशन अब इसको आप बाकी चीज़ों से जरा देखें इसकी अभी इसकी क्या थी फोर्टी थी ना आर थर्टी आर थर्टी से भी ऊपर चली जाती है लेकिन आर थर्टी ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए ये इस्तेमाल होती है अब ये नीचे अगर आप इसको चले और तो बाकी चीजों को देखें ग्लास की पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो थ्री इसका आर नंबर इसका मतलब कोई कोई इंसुलेशन वैल्यू ग्लास की नहीं है जितनी ग्लास होगा हीट आसानी से ऊपर नीचे चली जाएगी स्टोन पॉइंट ये सारी कंस्ट्रक्शन मटीरियल है ब्रिक जो है, वो भी सिर्फ दो के करीब है कुछ थोड़े से ज्यादा हैं लेकिन वो भी पांच छे हैं जो हमने देखी थी उसकी आर जो है वो थर्टी थी तो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स सिर्फ घर घर खर, खड़ा करने से सर्दी नहीं रुक जाती फिर उसको इंसुलेशन भी करना पड़ता है अगर वहां पे सर्दी ज्यादा हो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ तो ये ये सारी चीजें जो है इसके अंदर फिर जब क, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि अप्रॉप्रेटली क्या चीजें हैं और जो भी चीजें हैं वो तो कंस्ट्रक्शन के अपने हिसाब से ना सीमेंट ब्रिक है तो ब्रिक को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते ब्रिक तो लगेगा ही लेकिन अगर सिर्फ ब्रिक लगा हुआ तो उससे इंसुलेशन नहीं हो सकती उसके अलावा इंसुलेशन करने के लिए मजीद उसके अंदर इंसुलेशन डालना पड़ती है जैसे लाल रंग की बताई जैसे की मैंने बताई थी तो में से कोई तो उससे फिर जाके इतना इंसुलेशन हो जाती है कि फिर हीट जो है वो लीक नहीं कर पाती वॉल्स वगैरह से